हाय फोक्स, सो Q2 रिजल्ट सीजन जो है अब स्टार्ट हो चुका है। सारी कंपनीज के रिजल्ट आने चालू हो चुके हैं। आज हम तीन से चार कंपनीज का जो है Q2 FY 25 का रिजल्ट डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करेंगे कि आखिर जो है रिजल्ट इनका कैसा आया। क्योंकि आप स्टॉक मार्केट के अंदर अगर इन्वेस्टिंग करते हो या फिर आप सोच रहे हो अगर इन्वेस्ट करने का, तो बिजनेस ट्रैकिंग जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोई भी जो बिजनेस होता है वो स्टेगनेंट नहीं होता है, बिजनेस के अंदर फ्लक्चुएशन आते रहते हैं, और आपको उन फ्लक्चुएशन के हिसाब से डिसाइड करना पड़ता है कि बिजनेस के अंदर कैपिटल कितना जाना चाहिए। तो कभी कोई बिजनेस जो है अच्छा परफॉर्म करता है, तब उसकी जो सेल्स है वो बड़ी फास्ट पेस पे ग्रो होती है, उसके जो प्रॉफिट्स है बड़े फास्ट पेस पे इंक्रीज होते हैं, तब जो है बिजनेस अच्छा भी परफॉर्म करता है, ऐसे जो स्टॉक्स है वो रिटर्न भी ज़्यादा देते हैं, और हमें उस तरीके से अपना जो कैपिटल है ऐसे बिजनेसेस को रिवॉर्ड करते रहना चाहिए ताकि हमें अच्छा खासा रिटर्न देखने मिले। और कभी कोई बिजनेस से ग्रोथ चल जाती है या फिर कोई बिजनेस के अंदर दिक्कतें आ जाती है, तो हमें उन बिजनेसेस को इग्नोर करना स्टार्ट कर देना चाहिए या फिर पनिश करना स्टार्ट कर देना चाहिए। अब बात करें पहली जो कंपनी जिसका हम डिस्कशन करेंगे वो है टाइटन कंपनी। अब टाइटन के बारे में सबको पता है, टाइटन के बेसिकली चार सेगमेंट्स है। पहला जो है आपका ज्वेलरी सेगमेंट, दूसरा जो है आपका वॉचेस वेरेबल्स, तीसरा जो है वो है आई केयर, और चौथा जो है वो है इमर्जिंग बिजनेस। अगर हम टाइटन की बात करें तो ज्वेलरी सेगमेंट के अंदर इस बार अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिली है। जब Q1 में ज्वेलरी सेगमेंट के अंदर सिर्फ 9 या 10% की ग्रोथ थी, इस बार टाइटन के ज्वेलरी सेगमेंट के अंदर 26% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने मिली है। वॉचेस के अंदर 20% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने मिली है, आई केयर के अंदर 6%। अब आई केयर वाला टाइटन का जो बिजनेस है वो तो मुझे बिल्कुल समझ में ही नहीं आता। चलो ये लेंसकार्ट के लिए एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है, बट ये बिजनेस जो है वो बिल्कुल ग्रो नहीं कर रहा है। मुझे तो ये बिजनेस जो है पर्सनली बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि ये बिजनेस जो है वो टाइटन के बिजनेस को और ज़्यादा लगाड़ बना रहा है। जितना ज़्यादा टाइटन का ज्वेलरी बिजनेस अच्छा है, उतने ज़्यादा उसके जो वॉचेस और आई केयर वाले बिजनेसेस है वो एकदम फ्लक्चुएटिंग से बिजनेस लगते हैं मुझे, क्योंकि ये कभी परफॉर्म करते हैं कभी नहीं करते। वॉचेस वाला जो बिजनेस है इस बार अच्छा परफॉर्मेंस देखने मिला है हमें उस बिजनेस के अंदर। और फिर उसके बाद इमर्जिंग बिजनेसेस की बात करें तो इसमें 14% की जो ग्रोथ है वो ग्रोथ देखने मिली है। Q2 FY 25 में टाइटन ने अपने जो ज्वेलरी के स्टोर्स है उसमें 24 स्टोर्स ऐड किए, वॉचेस एंड वेरेबल्स के लिए 34 स्टोर्स ऐड किए। अब टाइटन बेसिकली अब ये रिटेल कंपनी है, अब रिटेल कंपनी को मैक्सिमम अपने जो स्टोर्स है वो इंक्रीज करते रहने पड़ते हैं ताकि लोगों का जो फुटफॉल्स है इन स्टोर के अंदर वो इंक्रीज होते जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके पास आए, मार्केट पेनिट्रेशन है इन कंपनीज़ का इंक्रीज़ होते हो और इनके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो सेल हो रहे, तो इसलिए इन्हें जो स्टोर है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ करते रहने पड़ते। तो टाइटन ने टोटल सारे सेगमेंट्स मिला के 64 स्टोर जो है वो इंक्रीज़ किए है कैरेट लेन के अंदर। अब कैरेट लेन जो है इसका प्रीमियम लग्जरी ब्रांड है, प्रीमियम आपका ज्वेलरी का लग्जरी ब्रांड है। फिर अगर आप कैरेट लेन की बात करोगे तो 28% से यार जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने मिली है रेवेन्यूज़ के अंदर, और 11 स्टोर जो है वो ऐड किए गए हैं कैरेट लेन के अंदर। अब ज्वेलरी मार्केट जो है वो बहुत अच्छा खासा पिक कर चुका है Q1 के बाद से। Q1 जो है ज्वेलरी मार्केट के लिए कंपैरेटिवली थोड़ा सॉफ्ट रहता है, लेकिन अगर हम अब ज्वेलरी मार्केट के पिकअप की बात करें तो बेसिकली कस्टम ड्यूटीज़ गवर्नमेंट ने ये बजट के टाइम पे निकाल दिया था। अब जैसे ही कस्टम ड्यूटीज़ निकाल दिया, लाइक इम्पोर्ट ड्यूटीज़ जो है इन्होंने 15% से लेके 6% पे ला दी। जैसे ही ये हो गया तो लोगों का जो डिमांड है गोल्ड का बाहर के कंट्रीज से, जो लोग इम्पोर्ट करवा रहे थे गोल्ड, उन्होंने सीधा इंडिया में परचेस करना प्रेफर किया, क्योंकि ड्यूटी जो है वो कम हो चुकी थी। लोगों का जो डिमांड है गोल्ड के लिए इंडिया के अंदर वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, और लोग इंडिया से गोल्ड बाय करना प्रेफर करने लगे। ये चीज़ का फ़ायदा हर एक ज्वेलरी कंपनी को हो रहा है, बीट आपका कल्याण हो, आपका सेनको हो, टाइटन हो या थंगमाइल हो, सारी लिस्टेड कंपनीज़ को। इनफैक्ट अभी तो PNG ज्वेलर्स भी आ चुके हैं, उनका कल ही रिजल्ट आ रहा है, उसके बारे में भी कल डिस्कशन करेंगे। तो ये सब चीज़ों का जो है सारे ज्वेलरी कंपनीज़ को फ़ायदा देखने मिल रहा है। अब टाइटन जैसी जो कंपनी है तनिष्क, उसका जो गोल्ड का इन्वेंट्री है वो हेज्ड होता है, तो इन्वेंट्री के अंदर हमें ज़्यादा अच्छा खासा डिफरेंस देखने नहीं मिलेगा, प्रॉफिट लॉस हमें इतना देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि अपनी 100% गोल्ड की इन्वेंट्री जो है वो हेज्ड रखते हैं ताकि ये गोल्ड के वॉलीटिलिटी के प्राइजेस से बच सके। बट वही बात है कि आपका जो है आपके टाइटन के स्टोर्स के अंदर फुटफॉल जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा आपके तनिष्क के स्टोर के अंदर, और इसके वजह से आपकी जो सेल्स है वो भी इंक्रीज़ देखने मिली है आपको। अगर हम स्टडेड सेगमेंट की बात करें तो स्टडेड सेगमेंट के अंदर 11% आपकी लो डबल डिजिट्स की ग्रोथ थी, और 11% की ग्रोथ देखने मिली है कंज्यूमर्स या बायर्स के अंदर। फिर उसके बाद बात करें तो इन्होंने 11 स्टोर जो है वो तनिष्क के ऐड किए, 11 जो है वो मिया के ऐड किए, 1 जो है वो जोया का किया। वॉचेस एंड वेरेबल्स की बात करें तो अच्छा खासा ग्रोथ, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, वॉचेस के अंदर देखने मिला है 25% की ग्रोथ आई है आपके एनालॉग वॉचेस में,
और वॉचेस के अंदर प्रीमियमाइजेशन वाला थीम जो है वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, क्योंकि लोग जो है इंडिया के अंदर प्रीमियम वॉचेस की तरफ बढ़ रहे। तो टाइटन के जो वॉचेसेस है, जितने भी वॉचेस है उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा सेल्स आता है वो ज़ाइलिस का आता है। अब ज़ाइलिस जो है टाइटन का एक बहुत बड़ा प्रीमियम ब्रांड है, इसके साथ साथ टाइटन के दूसरे भी प्रीमियम ब्रांड्स हैं, वहाँ से इनकी जो मैक्सिमम सेल्स है वॉचेस के लिए वो आ रही है, और लोग जो है टाइटन की एक्सपेंसिव वॉचेस लेना भी प्रेफर कर रहे हैं, वो हमें सेल्स के नंबर के अंदर ही दिखने लगा है। इसके साथ साथ कुछ टाइम पहले टाइटन ने बहुत सारे डिस्काउंट्स वगैरह भी रन किए थे वॉचेस के लिए, तो हो सकता है कि इसके वजह से भी हमें सेल्स के अंदर इंक्रीज़ देखने मिले। वेरिएबल्स की बात करें तो वेरिएबल्स के अंदर रेवेन्यू जो है वो रिड्यूस होते हुए हमें दिख रहा है, और स्टोर्स की बात करें तो टोटल 34 स्टोर्स ऐड किए वॉचेस वाले सेगमेंट के लिए। आई केयर वाला बिजनेस जो है, मुझे इतना खासा इसमें अच्छा डिस्कशन करने जैसा कुछ लगता नहीं है, इसलिए हम आई केयर बिजनेस को स्किप कर देंगे। क्या ये बिजनेस है, सिर्फ 6% की जो है वो ग्रोथ देखने मिली है। इमर्जिंग बिजनेस जो है वो टाइटन के अभी तक इमर्जिंग है, वो आपके प्रोसेस के अंदर है, इतना ज़्यादा काम नहीं हो चुका है, लेकिन अगर आप फ्रेगनेंसेस का इनका बिजनेस देखोगे तो 17% ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ देखने मिली है, और इसके साथ साथ फैशन एसेसरीज़ के अंदर और आपके कंज्यूमर्स के अंदर आप देखोगे फ्रेगरेंसेस और फैशन एसेसरीज़ के अंदर, तो रिस्पेक्टिवली अगर आप देखोगे तो 19% की फ्रेगरेंसेस में और 11% की फैशन एसेसरीज़ में कंज्यूमर के तरफ से डिमांड के अंदर ग्रोथ देखने मिली है। कैरेट लेन का भी बिजनेस जो है वो बहुत अच्छे से एक्सपांड हो रहा है, और इसके अंदर भी ग्रोथ देखने मिली है। इनफैक्ट कैरेट लेन के अंदर स्टडेड रेशियो जो है वो कंपैरेटिवली हाई था Q2 FY24 में, और इसके अंदर भी हमें इंक्रीज़ देखने मिला है। दूसरा जो बिज़नेस है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है एवेन्यू सुपरमार्केट। अब एवेन्यू का जो बिज़नेस है वो बिल्कुल दिन ब दिन मुझे ख़राब लगने लगा है। पहले जो है डीमार्ट वन ऑफ द फेवरेट कंपनी थी मेरी, बट दिक्कत क्या आ चुका है कि डीमार्ट का जो स्टॉक है अभी एकदम हाई पी ई पे पहुँच चुका है। अगर आप डीमार्ट के स्टॉक का पी ई देखोगे तो वो पहले जो है इसका मीडियम पी देखोगे तो कुछ एक्सपेंसिव ही था डीमार्ट का स्टॉक शुरू से, लेकिन दिक्कत क्या थी कि डीमार्ट के स्टॉक में पहले जो है वो ग्रोथ देखने मिलती थी हमें। अगर किसी को डीमार्ट नहीं पता है तो डीमार्ट जो है आपका बहुत बड़ा रिटेलर है इंडिया के अंदर, आपका सुपरमार्केट से डीमार्ट के पास, और उसकी जो है अलग अलग सेगमेंट से किस टाइप की सेल्स आती है वो आप देख सकते हो। इनकी मैक्सिमम जो सेल्स है वो फूड से आती है, उसके बाद FMCG प्रोडक्ट्स से आती है, नॉन फूड प्रोडक्ट्स, और दो तीसरी सेल है 22% के आसपास की टोटल आउट ऑफ 100 जनरल मर्चेंडाइज से आती है। तो डीमार्ट अगर आप जाओगे तो वहाँ आपको हर चीज़ मिल जाएगी, हर चीज़ आपको यूजुअली डिस्काउंट पे मिलती है। डीमार्ट जो है एवरीडे लो प्राइसिंग वाली स्ट्रैटेजी जो है वो यूज़ करता है, बट डीमार्ट की ये जो कंपनी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स लग रही है मुझे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव लग रही है ये कंपनी। अब क्यों, मैं वो बताता हूँ। Q1 के अंदर डीमार्ट की जो सेल्स है वो 18% से इंक्रीज़ हुई थी। पहले जो है डीमार्ट जो है 20% से अपनी जो सेल्स है वो इंक्रीज़ कर रहा था। अगर आप 3 ईयर्स के अगर भी देखोगे तो 28% से डीमार्ट की जो सेल्स है वो इंक्रीज़ हो रही थी। कोविड के अंदर भी डीमार्ट का जो स्टॉक है उसने अच्छा खासा रिटर्न दे दिया, और डीमार्ट की सेल्स कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ होते जा रही थी कोविड में। डीमार्ट अकेला ऐसा रिटेल स्टोर था कोविड के टाइम पे जो कि पॉजिटिव आपका प्रॉफिट दे रहा था। बट दिक्कत वही है कि डीमार्ट का जो EPS है वो कभी नेगेटिव नहीं हुआ, लेकिन EPS के अंदर ग्रोथ जो है वो कम हो चुकी है। अब अगर आप देखोगे तो डीमार्ट का जो बिज़नेस है पहले 18% पे ग्रो कर रहा था, अभी तो डीमार्ट के बिज़नेस की जो सेल है वो और भी बकवास है। अगर आप डीमार्ट के बिज़नेस की सेल देखोगे तो कुछ 13% के आसपास की जो सेल का इंक्रीज़ है वो हमें देखने मिला है डीमार्ट के अंदर, मतलब सिर्फ 13.82% से ईयर ऑन ईयर जो है ग्रोथ देखने मिली है हमें डीमार्ट के सेल्स के अंदर, जो कि मुझे पर्सनली बिल्कुल अट्रैक्टिव ये रेवेन्यू नंबर नहीं लगा। ऐसे स्टॉक्स जो है वो रिटर्न देना भी बंद कर देते हैं। अगर आप देखोगे तो डीमार्ट जो है अभी 116 के पी पे ट्रेड कर रहा है। अब आप जो है एक कॉम्प्लेक्स एक्सेल शीट बनाते हो वैल्यूएशन वगैरह के लिए, आप सीधा माइंड में ही आपके रिलेटिव वैल्यूएशन कर सकते हो और डिसाइड कर सकते हो कि क्या डीमार्ट की जो वैल्यूएशन है वो जस्टिफाइबल है क्या। अब आप मुझे एक बात बताओ, पहले जो है डीमार्ट 20% के ग्रोथ रेट पे ग्रो कर रहा था, बट अब जो है डीमार्ट की ग्रोथ रेट जो है वो धीरे धीरे खराब होने लगी है। इसके बारे में भी हम रीज़न है एक बात करेंगे। डीमार्ट की जो ग्रोथ रेट है, डीमार्ट का पी जो है बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करता है। अगर आप देखोगे तो 116 के पी पे आपको 10% 13% ग्रो होने वाला बिजनेस अगर देखना है तो आप देख सकते हो, लेकिन ऐसे बिजनेसेस के जो स्टॉक है वो बिल्कुल रिटर्न नहीं देता है। सेम केस मुझे हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ लगता है, वो भी बिजनेस मुझे बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड लगता है। सेल्स की ग्रोथ अगर आपके बिजनेस में धीरे धीरे कम होने लगती है तो स्टॉक प्राइस के अंदर भी आपको नेगेटिव रिटर्न देखने जो है वो चालू हो जाता है, और स्टॉक जो है आपका नेगेटिवली रिएक्ट करना भी स्टार्ट कर देता है, जो कि डीमार्ट के केस में हो रहा है। और मुझे ऐसे पर्सनली लगता है कि डीमार्ट के स्टॉक के अंदर हमें अच्छा खासा करेक्शन जो है वो देखने मिल सकता है, क्योंकि 116 के पी का स्टॉक है और सेल्स ग्रोथ तो कुछ नहीं है।
फिर उसके बाद जो है हम तीसरी कंपनी की बात करेंगे। तीसरी जो कंपनी है जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे वो है V2 रिटेल, जहाँ डीमार्ट की जो सेल्स है वो सिर्फ आपका 10%, 18%, 13% से इंक्रीज़ हो रही है, वहाँ V2 रिटेल जैसे जो बिजनेस है कॉन्स्टेंटली फाड़ के रख रहे। अब V2 रिटेल जो है आपका ट्रेंड के टाइप का बिजनेस है, ये सिर्फ आपका क्लोथ्स वाला रिटेलर है। अगर आपने V2 रिटेल के स्टोर्स नहीं देखे तो ये ट्रेंड का जो है बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है, और V2 रिटेल जो है अपने सेल जो है बड़े फास्ट पेस पर इंक्रीज़ कर रहा है। ये कुछ V2 रिटेल के ब्रांड्स है अगर आप देखोगे तो, और V2 रिटेल के बारे में हमने डिटेल्ड वीडियो बना कर रखा है चैनल पे, तो वो आप जाके चेक कर लेना। फिर इसके बाद बात करें तो V2 रिटेल का अगर आप नंबर्स देखोगे तो बहुत ज़्यादा सुपर और अट्रैक्टिव नंबर्स है। वही मैं बोलता हूँ कि आपको बिजनेसेस को ट्रैक करते रहना चाहिए। जब बिजनेसेस अच्छा काम करते हैं तो आप उन्हें रिवॉर्ड करते रहो, और जब बिजनेसेस बुरा करना स्टार्ट कर देते हैं तो उनमें जो पोजीशन है वो कट करते रहो। अब पहले जो है डीमार्ट का स्टॉक बड़ा अट्रैक्टिव लगता था, लेकिन अब जो है डीमार्ट का स्टॉक वैल्यूएशन वाइज बिल्कुल एकदम घटिया स्टॉक लगता है मुझे। फिर उसके बाद वही टाइटन के केस में हुआ कि टाइटन के केस में अभी ग्रोथ जो है वो फिर से देखने मिली है, तो हो सकता है कि स्टॉक जो है वो थोड़ा बहुत रिटर्न दिखाए, बट स्टिल मुझे टाइटन से बेटर उसके जो पीयर्स है वो ज़्यादा बेटर लगते हैं, क्योंकि उसके पीयर्स जैसे कि आपका कल्याण हो गया तो वो कंपैरेटिवली बहुत फास्ट पेस पे ग्रो कर रहे हैं टाइटन से, तो मुझे कल्याण के नंबर्स का बहुत ज़्यादा वेट है। अब मैं वेट ही कर रहा हूँ कि कल्याण के जो नंबर्स है वो कब आए और फिर हम प्रॉपर कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ट्यून्ड रहना, सारे Q2 कंपनीज के जो अपडेट्स है वो आते रहेंगे चैनल पर। अब बेसिकली उसके बाद बात करें तो इसके अंदर आपको V2 रिटेल के अंदर 64% की ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ देखने मिली है सेल्स के अंदर, और आपको प्रॉफिट आपका सेल्स पर आप सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ अगर आप देखोगे तो 36% का देखने मिला है। कंपनी के मैनेजमेंट ने डबल डिजिट का टारगेट दिया था, कुछ 12% 10% का भी अगर होता है तो कंपनी के मैनेजमेंट को जो है ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिलता है अपनी कंपनी के अंदर, जिसकी वजह से आपका जो EPS है आपके सेल्स के ग्रोथ से और ज़्यादा फास्ट एक्सपांड होगा। मतलब अगर आपकी सेल जो है वो 60% से इंक्रीज़ हुई है तो EPS के अंदर हो सकता है कि और ज़्यादा इंक्रीज़ देखने मिले, मतलब आपकी जो अर्निंग्स है वो 80% से ग्रो हो रही है या उससे भी ज़्यादा। अब सेल्स सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो है ये V2 रिटेल बहुत अच्छा मेंटेन करके रख रहा है, और इनफैक्ट मैनेजमेंट ने अंडर प्रॉमिस किया और ओवर डिलीवर किया। ऐसे जो बिजनेसेस हैं मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, तो V2 रिटेल का एक डिसेंट बिजनेस है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी जो है बिजनेस छोटे स्केल पे, कंपनी का मार्केट कैप भी बहुत छोटा है। अगर आपको V2 रिटेल के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमने रिसेंटली ये बिजनेस को कवर किया है, तो वो जाके चेकआउट कर लेना, आपको कंप्लीट इस कंपनी का आइडिया लग जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं सारे लोगों के सबसे फेवरेट बैंक HDFC बैंक पे। अब HDFC बैंक के रिसेंटली नंबर्स आए हैं बाहर की, उनकी डिपॉजिट और एडवांसेज जो है वो क्या पेस पे ग्रो कर रही है। अब HDFC बैंक के साथ दिक्कत क्या हो चुका है मैं बता देता हूँ आपको। HDFC का जो स्टॉक है वो रिटर्न देना बंद कर चुका है। अब HDFC का स्टॉक रिटर्न देना कब से बंद कर चुका है, पिछले 3 साल से HDFC के स्टॉक ने सिर्फ 1% रिटर्न दिया है। इनफैक्ट HDFC के जो लोन बुक है वो भी ग्रो होना बंद हो चुकी है। अब ये क्यों बंद हो चुकी है, क्योंकि मर्जर के बाद HDFC का जो लोन बुक का साइज़ है वो एकदम ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। इनकी हाउसिंग बुक और इनकी जो नॉर्मल वाली बुक थी बैंकिंग बुक, वो दोनों मर्ज हो चुकी है, और इसके वजह से लोन बुक का साइज़ एकदम ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। तो अब ये सारी चीज़ें तो इंक्रीज़ हो ही चुकी है, तो इतने बड़े बेस पे HDFC को फास्ट पेस पे ग्रो करना पॉसिबल नहीं है। और जैसे ही कोई भी बिजनेस जो है स्टॉक मार्केट के अंदर, कोई भी लिस्टेड स्पेस आप कोई भी बिजनेस देख लो जो कि फास्ट पेस पे ग्रो करना बंद कर देता है, उनका जो स्टॉक है वही पेस पे ग्रो करना भी बंद कर देता है। वही दिक्कत है कि स्टॉक के अंदर आपको 1% का रिटर्न देखने मिल रहा है पिछले 3 साल के अंदर CAGR की हम बात करें तो। मतलब आप सोचो कि आपने 100 रुपये लगा के रखे थे 3 साल के लिए और आपको 100 रुपये पे बस 1 रुपये मिल रहा है। तो ये जो है मुझे रिटर्न वाला HDFC का बिल्कुल नहीं पसंद। यही रीज़न है कि HDFC का स्टॉक जो है अभी इतने सस्ते वैल्यूएशन लोएस्ट PE/PB पे क्यों मिल रहा है, क्योंकि HDFC के अंदर किसी को पता ही नहीं है क्या चल रहा है इनफैक्ट। बट अभी HDFC के अगर हम नंबर्स देखें तो कंपैरेटिवली पिछले नंबर से थोड़े ज़्यादा ठीक ठाक ही नंबर आए। बट बेसिकली दिक्कत क्या हो रहा है कि HDFC का जो मैनेजमेंट है वो लोन बुक से रिलेटेड अपने गाइडेंस नहीं दे रहा है। HDFC की जो लोन बुक है उसके अंदर जो इंक्रीज़ देखने मिल रहा था वो एकदम उसकी जो ग्रोथ है वो एकदम ज़्यादा कम हो चुकी है, तो इसलिए HDFC का जो स्टॉक है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है। HDFC की बात अगर हम एसेट क्वालिटी में करें तो HDFC को एसेट क्वालिटी के अंदर कोई भी स्टॉक जो है वो टक्कर नहीं दे सकता है। बैंकिंग स्टॉक की बात कर रहा हूँ, IDFC की बात ले लो, IDFC जो है बैंकिंग सेक्टर के अंदर सबसे फास्ट पेस पे ग्रो हो रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट द बिग बैंक्स। तो बिग बैंक्स में IDFC जो है बड़े फास्ट पेस पे ग्रो कर रहा है, कुछ 20-25% के आसपास वो जो है अपनी लोन बुक ग्रो कर रहा है। बट अभी रिसेंटली IDFC बैंक के साथ एक इशू हो गया था उनके JLG ग्रुप के साथ, तो इसलिए IDFC के स्टॉक ने भी परफॉर्म करना बंद कर दिया। और इनफैक्ट आपको IDFC के स्टॉक के अंदर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम देखने मिल सकता है, क्योंकि इनका क्रेडिट कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी के तरफ कंपनी जो है वो मूव हो रही है, बट बेसिकली आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी रहेगा
इस साल FY25 के अंदर वो भी फ्लैट रहेगा, तो IDFC का स्टॉक भी इसलिए परफॉर्म करना बंद कर दिया। यही चीज़ें होती है कि आपको इसलिए बिजनेसेस को जो है वो ट्रैक करते रहना पड़ता है ताकि आप सही टाइम पे सही जगह कैपिटल अलोकेट कर सकते हो। पोर्टफोलियो के अंदर टर्नओवर होना कोई बुरी बात नहीं होती है, लेकिन सेम नाम पे गलत टाइम पे इन्वेस्टेड रहना जब वो कंपनीज कुछ नहीं कर रही है, ग्रोथ पे जो है वो रिडक्शन होने लगता है कंपनीज के बारे में, तो ये एक बहुत ज़्यादा बुरी बात है। अगर आपको सीखना है कि आपको फ्रेमवर्क समझना है कि आपको किसी भी स्टॉक को कब सेल करना चाहिए, तो आप सीधा जाके हमारा रीसेंट वाला वीडियो देखो जिसमें हमने बताया कि किसी भी स्टॉक को आपको क्या राइट टाइम होता है सेल करने का, और वैल्यूएशंस बिल्कुल भी वो राइट टाइम नहीं होता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप वो जाके वीडियो चेक कर लो। इसके बाद हम HDFC की बात करते हैं, तो HDFC के डिपॉजिट्स के अंदर हमें 8% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने मिली है। आपका ICICI बैंक, चलो मैं मानता हूँ कि ICICI बैंक का जो लोन बुक है वो थोड़ा छोटा है, बट वो फास्ट पेस पे ग्रो कर रहा है, और स्टॉक मार्केट जो है ऐसे बिजनेसेस को ही रिवॉर्ड करता है। ICICI बैंक आपके जो सबसे बड़े बैंक है HDFC, SBI, ICICI में, उसमें ICICI बैंक ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है 32% का, क्योंकि इसकी लोन बुक भी बड़ी फास्ट पेस पे ग्रो कर रही है। तो HDFC बैंक से अगर आप कंपेयर करोगे तो ICICI बहुत बेटर पेस पे परफॉर्म कर रहा है। ICICI के नंबर्स मुझे याद नहीं, बट वो ऑब्वियसली 10% से इनकी जो लोन बुक थी उसके अंदर जो है वो ज़्यादा ही ग्रोथ देखने मिला था। इनफैक्ट 15-16% के आसपास थी इनका जो लोन बुक का ग्रोथ है ICICI का, और HDFC का वही लोन बुक के अंदर हमें ग्रोथ देखने नहीं मिल रहा है बड़े टाइम से। डिपॉजिट्स की बात करें तो डिपॉजिट्स में सिर्फ अगर आप नोटिस करोगे तो सिर्फ 15.1% का इंक्रीज़ देखने मिला है। अब ये 15.1% का जो मैक्सिमम इंक्रीज़ है, आप देख सकते हो कि मैक्सिमम इंक्रीज़ जो है वो 19.3% ईयर ऑन ईयर आपको टाइम डिपॉजिट्स के अंदर देखने मिला है, मतलब कि आपके FDs। और जो दूसरी चीज़ है कासा डिपॉजिट्स, उसके अंदर ज़्यादा इंक्रीज़ देखने नहीं मिला है, मतलब 8% के आसपास। अब HDFC बैंक का जो लोन बुक है उसका ग्रोथ होने का उसका डीग्रोथ होने का एक और रीज़न है कि बेसिकली अब आप बोल रहे हो कि HDFC बैंक तो एकदम मल्टीबैगर स्टॉक है, HDFC बैंक ने बहुत ज़्यादा पैसे कमा कर दिए, बट एक टाइम था जब HDFC की जो बैंक की लोन बुक है वो बहुत ज़्यादा पेस पे ग्रो करती थी, फास्ट पेस पे ग्रो करती थी, 30% पे HDFC की जो लोन बुक है वो ग्रो करती थी। लेकिन अभी उसका ग्रोथ भी तो कम हो गया है, तो इसलिए स्टॉक ने रिटर्न देना भी कम कर दिया है। तो यही बात होती है, ये मेंटेलिटी जो होती है वो आपको समझनी पड़ती है। डिपॉजिट्स की बात करें तो एक और चीज़ जो बैंक्स के साथ इशू चल रहा है कि बैंक्स के अंदर डिपॉजिट करना लोगों ने कम कर दिया है। अगर आप देख सकते हो कि रिसेंटली कैपिटल मार्केट जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो सारी आपकी कैपिटल मार्केट वाली कंपनीज़ है वो बेटर परफॉर्म कर रही है, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज बेटर परफॉर्म कर रही है। आप अगर रिजल्ट देखोगे तो अभी एंजल वन का भी आज ही रिजल्ट आया, उसको भी ट्रैक करना है, उसके बारे में भी वीडियो बनेगा। बट जितना मैंने नोटिस किया है कि ये जो वेल्थ मैनेजमेंट वाली कंपनीज है, कैपिटल मार्केट वाली कंपनीज है, CDSL जैसी जो कंपनीज है जो कि एक डिपॉजिटरी है, ये जो कंपनीज है ये बहुत ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रही है, क्योंकि लोगों को जो है कैपिटल मार्केट्स के अंदर ज़्यादा रिटर्न देखने मिल रहा है। आपकी जो म्यूचुअल फंड की SIPs है उनका जो है एकदम ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है, स्पाइक होने लग गया है SIP। अब लोग जो है बैंक के अंदर पैसे रखना कम कर रहे हैं, इनफैक्ट आपका कासा वगैरह तो बैंक के अंदर रहेगा, बट अगर आप लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स या फिर FD की अगर बात करो तो ये बैंक्स के अंदर देखनी हमें कम मिल रही है कंपैरेटिवली। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि FD का जो ग्रोथ है हमें किसी भी बैंक के अंदर देखने ही नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तक मैक्सिमम इंडिया जो है वो बैंकिंग के हिसाब से बहुत ज़्यादा अंडर पेनिट्रेटेड है, तो उस हिसाब से हमें FD के अंदर भी ग्रोथ देखने मिलेगा। और जो लोग हैं जो कैश में ही अपने सारे पैसे रखते हैं, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट T2, T3, T4 विलेजेस, तो वहाँ थोड़ा बहुत दिक्कत देखने मिल सकता है कि वहाँ लोग जो है कैपिटल मार्केट की तरफ ना इन्वेस्ट करें, बट लोगों का जो अवेयरनेस है कैपिटल मार्केट्स की तरफ वो इंक्रीज़ होते जा रहा है, बैंक्स के अंदर डिपॉजिट कम होते जा रहे हैं और कैपिटल मार्केट के अंदर जो सेविंग्स है लोगों की वो लोग और ज़्यादा एलोकेट करते जा रहे हैं। तो इसलिए कैपिटल मार्केट जो है वो बहुत अच्छा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, SIPs का नंबर भी इंक्रीज़ होते जा रहा है, म्यूचुअल फंड जो है बेटर परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिए, और इसलिए FIIs और DIIs का आउटफ्लो होने के बाद भी इंडिया के अंदर से आपका जो कैपिटल मार्केट है, आपके स्टॉक मार्केट्स है, निफ्टी, सेंसेक्स वगैरह जो आपके इंडेक्सेस है, वो बहुत अच्छे पेस पे ग्रो हो रहे हैं और अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं। तो लोगों का जो अटेंशन है वो कैपिटल मार्केट की तरफ ज़्यादा है, इसलिए बैंक्स के अंदर ये भी एक रीज़न है कि डिपॉजिट जो है वो कम हो रहे हैं। और इनफैक्ट RBI के गवर्नर ने भी ये जो इशू है वो हाईलाइट किया था। इसके साथ साथ इंडिया के अंदर बैंक्स के साथ बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं, तो बैंकिंग सेक्टर जो है अभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, मतलब स्टॉक प्राइस के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि इतना अच्छा हमें देखने नहीं मिलेगा। रिसेंटली RBI ने रेट कट किया है, तो होपफुली कुछ कंपनीज़ को फ़ायदा देखने मिले, लेकिन HDFC बैंक जैसी कंपनीज़ अगर अपना लोन बुक ही 8% पे ग्रो कर रही है, तो अगर रेट कट देखने मिला हमें तो कितना ज़्यादा लोन बुक पे ग्रो होगा उसका, 9% हो जाएगा मैक्सिमम। मुझे नहीं लगता HDFC बैंक अगर उससे बेटर परफॉर्म करेगी तो, बट मैं तैयार हूँ गलत प्रूव होने के लिए, मैं खुशी खुशी गलत प्रूव हो जाऊँगा इस चीज़ के लिए। HDFC बैंक से रिलेटेड अगर आप बात कर रहे हो तो मैं चाहता हूँ कि मैं गलत प्रूव हो जाऊँ, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी मेरे लिए। बट अभी के हिसाब से HDFC बैंक बीइंग द बैंक एट द बेस्ट एसेट क्वालिटी इज नॉट परफॉर्मिंग गुड, नॉट गुड लोन बुक ग्रोथ, तो उस हिसाब से HDFC बैंक मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है अभी, मर्जर के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं, और मैनेजमेंट भी कोई कॉन कॉल के अंदर गाइडेंस दे नहीं रहा है।
तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, हमने चार पांच कंपनीज का जो है वो डिस्कशन कर लिया है। एक और वीडियो आ रहा है, कल आ जाएगा, जो कि आप चेकआउट कर लेना, उसमें आपको और कंपनीज के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी के लिए ये जो वीडियो है उसको इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करके रख लेना, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और अगर आपको और दूसरी जो कंपनीज है आप चाहते हो कि मैं उसके ऊपर इंडिविजुअल एनालिसिस करूँ या उनका जो है क्वार्टरली अपडेट्स आपको दूँ, तो उन कंपनीज़ के जो नाम है आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।